लैंड स्कैम मामले में आरोपी और ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की 3 दिनों का तीसरा रिमांड अवधि पूरा हो चुका है। इसके बाद ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया। यहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया है। ईडी ने गुरुवार को दोपहर 2:05 पर ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में हेमंत सोरेन को पेश किया था। इसके पूर्व भी अदालत ने हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। अब रुक गए हैं, अब इन लोगों को जो निर्देश मिला है अब देख रहा हूँ। मैं तो आया था अपने नेता को यहाँ जेल तक छोड़ने के लिए, लेकिन इन लोग यहाँ रुक रहे हैं। कोई मजिस्ट्रेट है तो ये देखो ना, उतर के तुम नहीं देख सकते हो। बता दें कि बीते 31 जनवरी को पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। रांची सिविल कोर्ट में हेमंत सोरेन की पेशी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। बड़काई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन को दखल करने मामले में और दिल्ली स्थित उनके आवास पर 36 लाख रुपए बरामद होने मामले के अलावा व्यवसायी विनोद सिंह के साथ व्हाट्सएप चैट में तथा कथित ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे के लेन देन से संबंधित मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी। ईडी की कार्यवाही और भाजपा के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM गुरुवार से राज्य भर में अभियान चला रही है। कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फंसाया गया है। उन्हें रिमांड के दौरान प्रताड़ित किया जा रहा है। यहां तक कि ईडी दफ्तर के अंदर हेमंत सोरेन को बेसमेंट में रखा गया है, वहां धूप की किरण तक नहीं पहुंचती है। पूरे प्रकरण के लिए पार्टी बीजेपी को दोषी मानती है। JMM का आरोप है कि ईडी का एक्शन बीजेपी के इस आरोप पर हुआ है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।